हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन द रीगल लाइफ। तो मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके फिर से आ गई हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी। तो रेसिपी का जो नाम है वो है अरबियन पल्पी जूस। तो ये इसके लिए हमें ब्लैक ग्रेप्स चाहिए होंगे, जो कि सीड्स वाले ग्रेप्स होते हैं। तो आपको ये बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। इसका टेस्ट जो होता है टैंगी होता है, थोड़ा सा स्वीटनिंग भी होता है। तो आई होप ये जो रेसिपी है आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो मैंने यहाँ पे जो ग्रेप्स लिए हैं, कुछ 1 किलो तक का ग्रेप्स लिया है। तो यहाँ पे 500 ग्राम्स ग्रेप्स है और दूसरे बॉल में मैंने और 500 ग्राम्स ग्रेप्स लिए है, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाने वाली हूँ। तो अरबियन पल्पी जूस बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो है 1 कप चीनी, 2 नींबू के जूस, 2 लेमन जूस और थोड़ा सा नमक। तो नमक बस मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट जो है इसको बैलेंस करना है, इसलिए थोड़ा सा ही नमक डालूँगी मैं इस ड्रिंक में। तो वो 1/2 टीस्पून होगा। तो मैं यूजुअली पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वाइट सॉल्ट के बराबरी से इसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो आप चाहे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक 5 लीटर का प्रेशर कुकर लिया है क्योंकि ग्रेप्स मेरे पास ज़्यादा है, 1 किलो का ग्रेप्स है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा कंटेनर लिया है ये रेसिपी बनाने के लिए। तो ये एक 5 लीटर का प्रेशर कुकर है, तो इसमें मैं जो ग्रेप्स है वो डाल दूँगी। तो 1 किलो ग्रेप्स मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। एक कप चीनी जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, एक ही साथ में ऐड करना है चीनी। उसके बाद जो सॉल्ट है वो थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो वो आप स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं। अगर आप 1 किलो ग्रेप्स का रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें से 1/2 टीस्पून ही नमक ऐड कीजिएगा, बस टेस्ट बैलेंस करने के लिए। अभी ग्रेप्स में मैं पानी ऐड कर रही हूँ, तो पानी हमें इतना ही ऐड करना है ताकि ग्रेप्स जो हैं पानी के अंदर ढक जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। ग्रेप्स, चीनी और नमक हमको थोड़ा सा मिला लेना है एक साथ में। इसके बाद आपको हीट ऑन करना है और वेट करना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो प्रेशर कुकर का जो लीड है हम उसको बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पानी में थोड़ा थोड़ा उबाल आ रहा है और ग्रेप्स की जो सीड्स है वो ग्रेप्स से अलग हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है कितना अच्छा लग रहा है। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है अभी हम बंद कर देंगे और इसमें 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी इसीलिए लगाएंगे कि इसका जो पल्प है, स्किन है और सीड है ये हमें अलग करना है, क्योंकि ये पल्पी जूस है तो इसका सीड छोड़ के बाकी इसका पल्प और स्किन सब हमें चाहिए होगा। तो पानी में बहुत अच्छे से उबाल आने लगा है, अभी मैं लीड बंद कर रही हूँ प्रेशर कुकर का। तो इसमें 2 सीटी लग चुकी है, तो अभी मैं लीड जो है बंद कर रही हूँ और वेट करना है कि इसका वेपर जब तक नहीं निकले तो ये सीटी मत खोलिएगा, वेट कीजिएगा। प्रेशर कुकर का सीटी जो है वो मैंने खोल दिया है, तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो सीड्स जो है वो हैवी होता है इसलिए वो नीचे चला गया है प्रेशर कुकर के, और स्किन और पल्प जो है वो अलग हो चुके हैं।
तो ये जूस जो है बहुत ही गर्म है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा ये ठंडा होने तक का। तो इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो पल्पी जूस जो है वो बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। ग्रेप्स की वजह से कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने प्रेशर कुकर से एक पतीले में निकाल लिया है और उसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो इसको अभी हम सर्व करेंगे। तो सर्विंग के लिए मैंने ये ग्लास ले लिया है। तो इसमें मैं पहले डालूंगी आइस क्यूब्स, क्योंकि ये जूस जो है हमें एकदम चिल्ड सर्व करना है। तो मैं इसमें आइस डाल देती हूँ। उससे पहले पुदीना पत्ता जो है उसको थोड़ा क्रश करके इसमें डालूंगी। पुदीने के टेस्ट के साथ ये जूस और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये जो पुदीने का पत्ता है इसको मैं हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लूंगी और इस ग्लास में डाल दूंगी। अभी इसमें मैं जूस डालने वाली हूँ। तो ऐसे जूस से हम इसको भर देंगे और गार्निशिंग के लिए मैं पुदीना पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। पुदीना पत्ते का जो फ्लेवर है इस जूस के साथ बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैं एक स्ट्रॉ डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप बना सकते हैं इस रेसिपी को घर पे और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अभी तक के लिए सब इतना ही। मैं बहुत जल्दी फिर से आपसे मिलने वाली हूँ एक नए रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।